हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये टॉक. माई सेल्फ डॉक्टर अपूर्व वर्मा. आई हैव डन MBBS एंड MS इन ENT सर्जरी. मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले से, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से, दल्ली राजरा से क्लास 8 तक करी. उसके बाद मैं भिलाई शिफ्ट हो गया था. नाउ आई एम वर्किंग ऑल्सो इन भिलाई ओनली. मेरी कॉलेज की लाइफ जो हुई है MBBS आई हैव परस्यूड फ्रॉम वर्धा महाराष्ट्र. देन आई हैव कम्प्लीटेड माई MS इन ENT फ्रॉम BJ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे. आफ्टर दैट आई हैव वर्कड फॉर 1 ईयर इन मुंबई. फॉलोड दैट आई हैव शिफ्टेड टू भिलाई अगेन एंड आई एम नाउ कम्प्लीटिंग कंटिन्यूइंग माई वर्क ओवर हेयर ओनली. जैसा कि आप जानते हैं, मेरा जो ब्रांच है ईयर नोज और थ्रोट से रिलेटेड ब्रांच है. और मोस्ट ऑफ दी जो डिफ़िकल्टीज एज ग्रुप जो होती है, हम लोग जिनसे डील करते हैं, वो बेसिकली किड्स होते हैं और यंग एडोलेसेंट्स होते हैं. मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं हमारे पास, उसमें रहता है एक थ्रोट इन्फेक्शन, दूसरा रहता है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन. थ्रोट इन्फेक्शन मोस्टली जो हम देखते हैं वो होता है टॉन्सिल्स के वजह से. दूसरा होता है फेरिंजाइटिस, जो कि टॉन्सिल के पीछे का पार्ट होता है, अपर एयरवे और अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हैं हम, जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं. टॉन्सिल्स मोस्टली इनिशियली जब आता है हमारे पास, तो हम उसको कंजर्वेटिव मैनेज करते हैं बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स एंड एंटी हिस्टामिनिक्स लाइक डीकंजेस्टेंट्स. और जब वो क्रॉनिक स्टेज में हो जाता है और सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, पेशेंट्स को कंटिन्यू कंप्लेन होती है, तब हम सर्जिकल इंडिकेशन पे जाते हैं. बेसिकली टॉन्सिलेक्टॉमी, जो टॉन्सिल को निकालने की सर्जरी होती है, वो माउथ के अंदर से ही होती है, जिसमें बाहर से कोई स्कार नहीं आता है. दूसरी चीज, सिम्टम्स में भी इमीडिएट रिलीफ मिलती है इसमें. और ये जो सर्जरी होती है, ये अर्ली चाइल्डहुड और यंग एडोलेसेंस में करा लेना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो एडल्ट पॉपुलेशन में ये सर्जरी थोड़ी पेनफुल हो जाती है. दूसरा जो मैंने आपको एक कॉज बताया नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का यंग पॉपुलेशन में, वो जैसे कि गले में टॉन्सिल होता है, वैसे नाक के पीछे भी एक टॉन्सिल होता है, जिसको हम एडिनोइड बोलते हैं. कई बार वो टॉन्सिल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नाक बंद होने लगती है. पेरेंट्स आके हमको बोलते हैं कि बच्चा हमारा मुंह से सांस लेता है या रात में सोता है तो खर्राटे लेता है, यानी कि स्नोर करता है. ऐसे कंडीशन में हम एक्सरे कराते हैं नाक का, और दूसरा चीज़ एक नेजल एंडोस्कोपी करके देखते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पाया जाता है कि वो एडिनोइड यानी कि नाक के पीछे का टॉन्सिल बढ़ा हुआ होता है. उस कंडीशन में इनिशियली मेडिकली मैनेज करके फिर पेशेंट को काउंसिल किया जाता है सर्जरी के लिए. और आजकल नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, जिसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, जैसे कि डिब्राइडर बोलते हैं, जो कि एक म्यूकोजल शेवर है. सर्जरी के फायदे ये हैं कि उससे इमीडिएट रिजल्ट मिलता है. जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होता है, रात में सांस लेने की दिक्कत हो रही होती है, स्नोरिंग होती है, वो सिम्टम्स पूरे रिलीफ हो जाते हैं, क्योंकि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन तुरंत रिलीव हो जाता है. ये सर्जरी भी एंडोस्कोपी के माध्यम से करी जाती है और बाहर से कोई स्कार नहीं आता. और जो हम दूसरी एक मोस्ट कॉमन पेशेंट से डील करते हैं, वो होती है फॉरेन बॉडीज. अभी फॉरेन बॉडीज वो होती है जो कि आपके बॉडी का पार्ट नहीं है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर आ गया है बाय मिस्टेक. जैसे कि स्कूल एज ग्रुप में, मैं अभी एक आपको रिसेंटली एक मेरे साथ जो हुआ इंसिडेंस वो आपको बताता हूँ. हमने एक पेशेंट को पोस्ट किया था ये एडिनोइड सर्जरी के लिए, जो जैसे कि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो सर्जरी एंडोस्कोपी के माध्यम से करी जाती है. पहले वो कन्वेंशनल टेक्निक से करी जाती थी, जो कि ब्लाइंड प्रोसीजर था, जिसमें कि पेशेंट के तालू के पीछे जाके ब्लाइंडली हम एक क्यूरेट डाल के एडिनोइड की सफाई करते थे. आजकल ये सर्जरी एंडोस्कोपी के माध्यम से हो रही है. तो जो एंडोस्कोप होता है, उसको नाक में डाला जाता है, और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टॉन्सिल नाक के पीछे होता है. तो जब हमने नाक में वो एंडोस्कोप डाला, तो हमने कुछ एक अजीब सा स्ट्रक्चर देखा, कि जो नॉर्मल हिस्सा नहीं था नाक के अंदर के मांस का. तो हमने उसको, जब भी कुछ ऐसा अब नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा नेजल सिक्रेशन जम जाती, जैसे कि नॉर्मल सर्दी होती. तो वो सिक्रेशन की हमने जब सफाई करी, तो देखे कि हमको कुछ ऐसा रबरी सा फील हो रहा है. फिर हमने उसको थोड़ा सा प्रोप करके देखा, तो वो ब्लड भी नहीं हो रहा था, ब्लीडिंग भी नहीं हो रहा था. तो ये क्लियर हो गया कि ये बॉडी का पार्ट तो नहीं है करके. फिर उसको सक्शन किया और फिर एक प्रोब डाल के उस चीज़ को निकाला. जब उस चीज़ को निकाले, तो देखे कि वो रबर था.
वो रबर कौन सा था जो बच्चे यूज करते हैं ना, जो पेंसिल होती है और उसके पीछे एक रबर लगी होती है गोल सी, वो रबर को बच्चे ने नाक में रखा और नाक से अंदर पोक कर लिया। वो भी इसलिए क्योंकि उसके फ्रेंड को वो रबर नहीं देना चाहता था, वो उसे छुपाना चाह रहा था। उसको ये मालूम था कि वो उसके पॉकेट को चेक करेगा, तो उसने क्या किया, नाक में रखा और नाक के पीछे पुश कर लिया उसको। अगर ये सर्जरी मैं अपने कन्वेंशनल टेक्निक से करता तो शायद मैं इसको मिस आउट कर जाता, क्योंकि रबर एक्सरे में भी नहीं दिखता। रबर एक रेडियोल्यूसेंट चीज़ है जो कि एक्सरे भी नहीं पकड़ पाता, और अगर हम कन्वेंशनल टेक्निक से करते तो वो ब्लाइंडली प्रोसीजर से मैं कर देता और ये रबर मिस आउट कर जाता। तो जब हमने एंडोस्कोप डाला तो देखा ये अबनॉर्मल चीज़ है, फिर हमने उसको निकाला, और ये निकालने के बाद हमने फिर एडिनॉइड यानी टॉन्सिल को विजुलाइज किया और फिर टॉन्सिल को एंडोस्कोपी से ऑपरेट किया। तो ये एक एंडोस्कोपी पद्धति से करने का ये एक फ़ायदा हुआ कि वो बच्चे को जो फॉरेन बॉडी था वो भी हम निकाल पाए। दूसरी चीज़, पेरेंट्स को थोड़ा ख्याल खास ध्यान देना चाहिए इस चीज़ों में। आपको पता कैसे चलेगा कि फॉरेन बॉडी डाला है या न डाला है बच्चे ने? आमतौर पे जब ऐसा फॉरेन बॉडी किसी जगह पे जाता है तो सबसे पहला चीज़ होगा ऑब्स्ट्रक्शन, चाहे वो कान में डाले या नाक में डाले। अगर कान में जाएगा तो सुनाई की कमी हो जाएगी, नाक में डालेंगे तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा यानी नाक बंद होगा। दूसरी चीज़, नाक के अंदर जाएंगे तो नाक के जो म्यूकोजा रहते हैं, नाक के मांस रहते हैं, वो थोड़े से सिक्रेशन ज़्यादा बनाते हैं, तो जिसकी वजह से सर्दी होने लगती है बच्चों को। और क्लासिकल वो एक नाक से होती है, आमतौर पे जो हमको सर्दी होती है तो दोनों नाक से पानी आता है, लेकिन जब कुछ फॉरेन बॉडी या बाहरी वस्तु अंदर जाता है तो सिर्फ एक ही नाक से पानी आता है। ये क्लासिकल होता है, ये मैं चाहूँगा कि सारे पेरेंट्स इस चीज़ को ध्यान दें कि अगर कभी किसी बच्चे के एक नाक से पानी आ रहा है तो फिर उसको ज़रूर अपने नियर बाय किसी ENT सर्जन से मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको दिख रही है फॉरेन बॉडी, अगर आपको ऐसा पता चल गया कि अंदर में कुछ डाला है, तो उसको बिल्कुल भी आप घर में कोशिश ना करें निकालने का। क्या होगा कि नाक की सर्दी की वजह से वो स्लिपरी हो जाएगा, और अगर आप घर में अपने नॉर्मल वो प्लकर वगैरह से या फोर्सेप से आपने कोशिश करी और अंदर वो स्लिप आउट हो गया तो वो पीछे चला जाएगा, और एक बार अगर वो पीछे चला गया तो वो फिर हम बिना एनेस्थीसिया दिए नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बच्चे यंग एज में बहुत वायलेंट होते हैं, वो कॉपरेट नहीं करेंगे, वो हेड शेक करेंगे, हेड मूव होगा और वो और स्लिप आउट हो जाएगा पीछे। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जब ज़्यादा स्लिप आउट हो जाता है पीछे, तो वो पीछे एयरवे में उतर जाता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि एयरवे सीधा लंग से कनेक्टेड होती है, तो कई बार लंग्स को चोक भी कर जाता है और वो एमरजेंसी हो जाता है, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स थोड़ा इस चीज़ के लिए अवेयर रहें कि अगर ऐसी कोई फॉरेन बॉडी दिखती है नाक में या कान में, तो उसको घर में कोशिश ना करें, सो नियर बाय हॉस्पिटल या किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं। अभी जैसे कि हम इस चीज़ से डील कर रहे हैं, थ्रोट इन्फेक्शन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, तो आगे हम ये बात करना चाहूँगा आपके साथ कि इस चीज़ को हम प्रिवेंट कैसे करें। यूजुअली ये जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है वो स्कूल गोइंग चाइल्ड में ज़्यादा देखने को मिलता है, अर्ली एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे अपने फ्रेंड से मिलते हैं, उनके टिफिन शेयर करते हैं, उनके वाटर बॉटल शेयर होते हैं, वो साथ में खेलते हैं, साथ में बैठते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि मान लीजिए दूसरे बच्चे को इन्फेक्शन है थ्रोट इन्फेक्शन, तो वो थ्रोट इन्फेक्शन आपके बच्चे को भी लग सकता है। ठीक है, जैसे कि कोविड के टाइम पे हमने देखा तो कोविड फैलता है पर्सन टू पर्सन, वैसे ही ये टॉन्सिल्स और थ्रोट इन्फेक्शन भी पर्सन टू पर्सन फैलते हैं। सिर्फ थ्रोट इन्फेक्शन नहीं, नॉर्मल एक सर्दी जो एक वायरल इटियोलॉजी है, वो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैल सकता है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे कि स्नीज किया मान लीजिए किसी बच्चे ने, तो वो स्नीज करेगा तो ड्रॉपलेट पूरे नियर बाई सराउंडिंग में फैलेगा, और जो बच्चे थोड़े ससेप्टिबल रहेंगे, जिनकी थोड़ी इम्यूनिटी लोअर साइड में रहेगी, उनको ये इन्फेक्शन जल्दी होता है। तो प्रिकॉशन के तौर पे क्या करें, एकदम क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करें, जिनको भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे को थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है या आपके फ्रेंड को थ्रोट इन्फेक्शन है। ज़्यादा किसी के साथ फूड शेयर ना करें, आप अपना पर्सनल स्टफ्स ही यूज़ करें, जितना ज़्यादा हो सके मास्क लगा के रखें, हैंड वॉश करें। जो मेन चीज़ होती है हमारी, जो जैसा कि कोविड काल में भी हमने देखा था कि हमने लोगों को यही एक एडवाइस कर रहे थे कि आप हैंड वॉश करिए, हैंड सैनिटाइज करिए। बेसिकली जब भी आप अपना हाथ कहीं टच करते हैं तो आप एक बैक्टीरिया कैरी करते हैं, और वही बैक्टीरिया को अगर आप नाक में छू रहे हैं या आँख में छू रहे हैं, तो आप वो डायरेक्ट म्यूकोजा कॉन्टैक्ट से अंदर इनहेल कर रहे हैं या इंजेस्ट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप हैंड वॉश करेंगे उतना अच्छा रहेगा।
और मेरा तो एक ये एडवाइस रहेगा कि आप हर कुछ महीनों में, चाहे वो 3 to 4 month में, एक रूटीन इवेल्युएशन कराते रहें अपना, चाहे यंग पॉपुलेशन हो चाहे एडल्ट पॉपुलेशन हो। एडल्ट पॉपुलेशन को सिर्फ ENT के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम से भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया एक डायबिटिक हब है। डायबिटिक के साथ साथ अभी हम जो एक और एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है कार्डियक रिस्क। कार्डिक रिस्क इसलिए क्योंकि जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी अपना फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं रखते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो रहते हैं वो थोड़े ओबेस रहते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, लिपिड की प्रॉब्लम होती है। और अगर हम हर 3 से 4 महीने में अपना एक रूटीन इवेल्युएशन कराते रहेंगे तो हमको पता चलता रहेगा कि हम वो हाई रिस्क जोन में तो नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से आगे की जो प्रॉब्लम है, आगे की आपकी मॉर्बिडिटी है, आप उसको बचा सकते हैं। इनिशियली अगर कुछ प्रॉब्लम आते भी हैं, लैब टेस्ट में वेरिएशंस आते हैं, तो आप उसको मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। और अगर एक बार मेडिसिन चालू हो गई तो हम आपकी आगे की मॉर्बिडिटी को बचा सकते हैं इसी से। यूजुअली हम इनिशियली जब थ्रोट इन्फेक्शंस वगैरह पे कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, उसके बाद मैनेज करने के बाद जब सर्जिकल इंडिकेशंस एडवाइस करते हैं, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है कि पेशेंट को काउंसिल करना और पेशेंट के रिलेटिव को काउंसिल करना कि इनको सर्जरी नीड है। क्योंकि अगर आप सर्जरी बोलते हो किसी पेरेंट्स को कि आपके बच्चे को, 6 साल के बच्चे को एक सर्जरी लगेगी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा वो फैक्टर हो जाता है कि बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, एनेस्थीसिया देंगे, एनेस्थीसिया देंगे दैट टू विथ वेंटिलेटर देंगे, क्योंकि ये सब सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में होती है। तो नो डाउट ये एक रिस्क फैक्टर है जनरल एनेस्थीसिया, बट हमको उनको प्रोज भी समझाने पड़ते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इनिशियली टॉन्सिलेक्टोमीज या टॉन्सिल की सर्जरी या नाक की सेप्टल डिविशंस की सर्जरी या एडिनोइड की सर्जरी नहीं कराते हैं, तो वो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। आपका बच्चा स्नोर करेगा, आपके बच्चे को नेजल ऑब्स्ट्रक्शंस होते रहेंगे, आपके बच्चे को रिकरेंट सोर थ्रोट होंगे। तो हम बेसिकली उनको काउंसिल करते हैं कि ये बच्चे की अपब्रिंगिंग में भी दिक्कत ला सकता है। अगर कोई बच्चा सही से सोएगा नहीं, अगर कोई बच्चा सही से सांस नहीं लेगा, कोई बच्चा खाएगा नहीं, तो उसका ग्रोथ अच्छे से होगा नहीं, वेट गेन अच्छे से नहीं होगा, फेशियल फीचर्स में भी चेंजेस आने लगते हैं। एक चीज़ होती है एडिनोइड फेसेस। एडिनोइड फेसेस वो होती है, एडिनोइड बेसिकली नाक के पीछे का टॉन्सिल, जो एडिनोइड मैं कह रहा हूँ, एडिनोइड फेसेस ये होती है कि उसमें फेशियल फीचर्स काफ़ी बदल जाते हैं, पैलेट हाई आर्च हो जाता है। बेसिकली वो कंटिन्यू माउथ ब्रीदिंग करते हैं। अब माउथ ब्रीदिंग के भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, माउथ ड्राइनेस की प्रॉब्लम फेस करते हैं, वॉइस चेंज हो जाता है कुछ लोगों का क्योंकि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो कंटिन्यू मुंह से बात करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, और जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा वॉइस में चेंजेस आते हैं। तो हम पेशेंट के रिलेटिव्स को काउंसिल करते हैं कि ये सर्जरी अगर अभी करा लिए तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। नो डाउट ये सब सर्जरी में इमीडिएट रिलीफ भी मिलती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका पोस्ट ऑप 2nd डे से ही नेजल पेटेंसी पूरी अचीव हो जाती है, तो उनको रिलेटिव्स इतने ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं कि अभी तक तो बच्चा सही से सांस भी नहीं ले पा रहा था और अचानक से इतना अच्छा सांस ले रहा है, उनकी स्लीप जो हैम्पर हो रही थी वो भी अभी काफ़ी ठीक हो जाती है। तो ऐसे हमको काउंसिल करना पड़ता है। दूसरी चीज़, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ब्लीडिंग। ये जो टॉन्सिल है काफ़ी ज़्यादा वैस्कुलर ग्लैंड है, इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में भी पोस्ट ऑप 1 या 2 डे बाद थोड़ी सी ब्लीडिंग या ओजिंग आ जाती है, बट अगर केयरफुली ऑपरेट किया जाए तो ये सर्जरी बहुत अच्छी रिजल्ट देती है और कॉम्प्लिकेशंस भी ना के बराबर है। अब थोड़ा सा पॉइंट चेंज करके हम अपने एजुकेशन पार्ट पे आ जाते हैं कि MBBS हमारा करिकुलम कैसा रहता है, पोस्ट MBBS क्या होता है, MS में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं आप, MS करने के लिए एजुकेशन का कोचिंग पार्ट कैसा रह सकता है। बेसिकली जब हम लोग MBBS में एंटर करे थे तब हमारे टाइम होता था प्री मेडिकल टेस्ट, जिसको हम PMT बोलते थे। एक CGPMT होता था स्टेट का, एक ऑल इंडिया PMT होता था। आज के टाइम पे नीट आ गया है। मोस्टली अभी जैसा चल रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का वो 11th 12th से ही चालू कर देते हैं, और इनके आपका जो नीट रहता है उसमें भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहते हैं वो 11th 12th के NCERT से पूछा जाता है। तो मेरा तो हम लोगों के टाइम जो PMT होता था उसमें भी NCERT ही मेन फोकस रहता था। तो मेरा तो आपसे यही कहना रहेगा कि बेसिकली आप NCERT पे ही फोकस्ड रहें,
मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी से आप कवर करेंगे। और अगर कुछ क्वेश्चंस की क्वेरी होती भी है तो जो रेफरेंस बुक रहती है वो एनसीईआरटी रहती है। तो मेरा तो आपसे यही एक सजेशन रहेगा कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करें। रही बात पीजी की, हम लोगों ने हमारा पीजी का प्रिपरेशन चालू किया था फाइनल ईयर के बाद से। फाइनल ईयर जब कंप्लीट होते रहता है तब हम प्री पीजी की कोचिंग के लिए या कोचिंग मॉड्यूल्स चाहे आप नोट्स मांग सकते हो, तो ये अरेंज करना शुरू कर दिया था। और हम फाइनल ईयर एमबीबीएस से प्री पीजी की तैयारी चालू कर दिए थे। एमबीबीएस के बाद होती है 1 ईयर की इंटर्नशिप। कुछ कुछ कॉलेजेस में इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा हैवी रहती है, बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, तो इंटर्नशिप में कई बार उतना पढ़ने को समय नहीं मिल पाता है। ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक अच्छी ना आए। तो बेसिकली मेरी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक अच्छी नहीं आई थी। मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने इंटर्नशिप करते करते प्री पीजी दिया था तब मेरी रैंक 10,000 ऑल इंडिया थी। और तब के टाइम में 10,000 ऑल इंडिया रैंक में एमडी एमएस में कुछ नहीं मिलता था। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया था। और ड्रॉप लेने के बाद वापस मैंने प्रिपरेशन किया, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। वीकली एक ग्रैंड टेस्ट होता था, हमने वो अटेम्प्ट करना चालू किया। एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी। लाइब्रेरी में क्या होता है कि कई लोग रहते हैं और आपस में डिस्कशंस होते हैं। जो क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहा है वो सामने वाले को अगर पता है और अगर उसने आपको बताया कि अरे ये क्वेश्चन तेरे को नहीं आता, ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, और उसका अगर आपको फिर आप घर जाके देख रहे हो कि उसको क्वेश्चंस उसके जो आंसर बताए थे वो तो यार ये करेक्ट बताए थे, अगर ऐसा डिस्कशन होता है तो वो क्वेश्चन आप मेरे को लगता है कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। क्योंकि फिर आपके अंदर एक ऐसा थॉट प्रोसेस आता है कि यार मेरे फ्रेंड को आता था लेकिन मेरे को नहीं आता था, और वो चीज़ ना छप जाती है दिमाग में। तो बेसिकली ग्रुप डिस्कशन ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब आप ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज़ होता है इनका, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप टेस्ट दीजिए। उससे क्या होता है, ग्रैंड टेस्ट पे नेशनल लेवल पे आपको आपका रैंक पता चलता रहेगा। क्योंकि उसमें कई लोग रहते हैं जो कि ऑल इंडिया लेवल पे वो टेस्ट दे रहे होते हैं और उसमें आपको आपका रैंक पता चल जाता है। तो आपको एक लेवल भी पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको कितनी मेहनत करनी है। तो बेसिकली प्री पीजी के कोचिंग के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज़ भी अटेम्प्ट करिए। फिर मैंने जब ड्रॉप लेके टेस्ट सीरीज़ वगैरह प्रिपेयर करके जब ये एग्ज़ाम दिया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 3,100। एक्चुअली चाहिए था मेरे को एमएस जनरल सर्जरी, बट सर्जरी के लिए मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी। सर्जरी मेरे से 20 रैंक्स ऊपर क्लोज हो गया था काउंसलिंग में। तो मेरे को फिर ENT मिला और फिर मैंने, ENT भी एक सर्जिकल ब्रांच है तो मैंने ENT ऑप्ट किया। नाउ आई एम डूइंग गुड इन ENT और आई एम लविंग दिस ब्रांच। इस ब्रांच के फायदे ये भी हैं कि टेक्नोलॉजिकली हम काफ़ी सुपीरियर हैं। हम माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं, हम एंडोस्कोप्स यूज़ करते हैं, हम स्कारलेस सर्जरी ऑपरेट कर रहे हैं। चाहे आप नेक की सर्जरी बोलो, चाहे आप कैंसर सर्जरी बोलो, चाहे आप थायराइड सर्जरी बोलो, कान के पर्दे की सर्जरी, नाक के हड्डे की सर्जरी, गले के टॉन्सिल की सर्जरी, ENT के अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। और अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन पे जाना चाहें ENT में, तो ENT में भी कैंसर सर्जरी की सुपर स्पेशलाइजेशन होती है। लैटरल स्कल बेस हो रहा है, एंटीरियर स्कल बेस हो रहा है, यानी कि आज के टाइम पे लोग इवन ब्रेन ट्यूमर्स को भी नाक के माध्यम से एंडोस्कोप डाल के ऑपरेट कर रहे हैं। तो ENT काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है, मेडिकल फील्ड काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। एक टॉपिक और डिस्कशन करना चाहूँगा मैं, दैट इज़ एलर्जी। बेसिकली एलर्जी एक बॉडी का हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है। दो टाइप की एलर्जी होती है, एक होती है सीजनल, एक होती है पेरिनियल। सीजनल वो होता है सीजनल यानी कि जो सिम्टम्स जैसे कि स्नीजिंग, नाक से पानी बहना, दैट इज़ राइनोरिया, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन यानी नाक बंद होना, या बॉडी में इचिंग, आँखों से पानी आना, आँखों की लालिमा यानी आई रेडनेस, ये सब सिम्टम्स आपको एक पर्टिकुलर सीजन पे आते हैं, चाहे रेनी सीजन्स पे आए, चाहे विंटर्स पे आए। दूसरा एक एलर्जी का पार्ट होता है जिसको हम पेरिनियल बोलते हैं। पेरिनियल एलर्जी यूजुअली 12 मंथ्स में परसिस्ट करते हैं और उनको सिम्टम्स बीच बीच में आते रहते हैं, उनका सीजनल वेरिएशन के साथ उतना रिलेशन नहीं है।
बेसिकली एलर्जी के जो सिम्टम्स है वो मैंने आपको बता दिए, जैसे कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन यानी नाक बंद होना, राइनोरिया यानी नाक से पानी आना, एक्सेसिव स्नीजिंग यानी छींके आना, बॉडी में इचिंग होना, आँखों में से पानी आना, आँखों की लालिमा होना, ये बेसिकली सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। अभी एलर्जी को ट्रीट कैसे किया जाता है? बेसिकली एलर्जी का ट्रीटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है प्रिवेंशन या प्रिकॉशन। आप जितना इससे धूल डस्ट और एलर्जन से बच के रहेंगे, आपको उतनी दवाइयाँ कम खानी पड़ेंगी, आपको उतने सिम्टम्स कम होंगे। दवाइयों में हम बेसिकली यूज़ करते हैं एंटी एलर्जिक्स होती है, जिसको एंटी हिस्टामिनिक्स भी बोलते हैं, और कुछ नेज़ल स्प्रे होते हैं। कई बार सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं तो फिर हम लो डोज पे स्टेरॉइड्स चालू करते हैं, बट मेरा आपको यही एक एडवाइस रहेगा कि स्टेरॉइड्स कभी भी डायरेक्ट मार्केट से ना लें या मेडिकल से ना लें। स्टेरॉइड को अगर स्टार्ट करना है तो वो एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स के प्रेजेंस में चालू करना या उनके एडवाइस में चालू करना ही बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि उसको तरीका होता है स्टार्ट करने का और डोज कम करके स्टॉप करने का, जो कि कंसल्टेंट ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो बेसिकली एक ये मेरा आपको एडवाइस रहेगा कि स्टेरॉयड कभी भी मार्केट से ना लें। ड्यूरिंग कोविड हमने बहुत देखा था कि पेशेंट, कुछ लोग डायरेक्ट जाके ही स्टेरॉयड ले ले रहे हैं मार्केट से, जिसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहते इस चीज़ को। तो शायद मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि स्टीरॉयड कभी भी डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से ना लें, क्योंकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं कई बार वो बहुत डेट्रीमेंटल रहते हैं और फिर बहुत दिक्कतें हो जाती है उसको, साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने में। एलर्जी बेसिकली डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसा ही है, एक बार ब्लड में आ गया तो ये लाइफ लॉन्ग रहता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ मेडिसिन्स होते हैं, बट मेन पार्ट रहता है, जैसे कि हम डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को बोलते हैं कि आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है, आपको मीठा कम खाना है, आपको वर्कआउट करना है, जैसे हम डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन वालों को बोलते हैं, वैसे ही हम एलर्जी वाले पेशेंट्स को भी बोलते हैं कि आपको ये चीज़ों से बच के रहना है। अभी हमको पता कैसे चलेगा कि किस चीज़ों से बचना है? तो इसके लिए एक एलर्जी टेस्टिंग होती है, एक ब्लड से भी होती है, एक स्किन प्रिक टेस्ट भी होता है। तो उससे बेसिकली आपको किस चीज़ से एलर्जी है, आप किस एलर्जन से सेंसिटिव हैं, ये पता चल जाता है, और हम फिर पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपको इन फूड पार्टिकल से बचना है। दूसरा चीज़, प्रिकॉशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मास्क, जो कि हमने पहले भी बात किया है कि मास्क लगाएंगे तो आप एलर्जन से बच के रहेंगे। आप जब भी बाहर निकल रहे हैं धूल डस्ट से बच के रहिए, ज़्यादा पब्लिक कांटेक्ट में ना जाएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने में किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है या राइनोरिया है, सर्दी है, उन लोगों से थोड़ा सा आपको बच के रहना है, तो मास्क का प्रयोग यूज़ ज़्यादा करना है आपको। दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा हो सके उतना हैंड वॉश करिए। तीसरी चीज़, घर की साफ़ सफाई रखिए, आपके घर के पर्दे पंखे साफ़ रखिए, पिलो कवर चेंज करते रहिए, और जितना ज़्यादा डस्ट से बच के रहेंगे उतना ज़्यादा आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे। वन मोर पॉइंट, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ, दैट इज़ एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस यानी ब्लीडिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल, यानी नाक से खून आना। ये चाइल्डहुड में भी हो सकता है, ये एडल्ट और अर्ली एडोलेसेंट में भी हो सकता है, और ये ओल्डर एज में भी हो सकता है। तीनों एज ग्रुप में इसके कॉजेज डिफरेंट हैं। यंग पॉपुलेशन में बेसिकली चाइल्डहुड में फिंगर नोज ट्रॉमा की वजह से होता है, जो बच्चे नाक में यूजुअली जो पपड़ियाँ जम जाती है नोज क्लीनिंग करने के लिए, वो अपने नेल से ही अंदर इंजरी कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार सीजनल वेरिएशन, एक्सेसिव राइज इन टेम्परेचर यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में भी ऐसा होता है, नेजल ब्लीडिंग हो जाना। दूसरा चीज़, अगर आप एडल्ट पॉपुलेशन में जाएं तो एडल्ट पॉपुलेशन में नेजल ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा बर्डन है इंडिया पे एट प्रेजेंट। हाइपरटेंशन का जो अर्लीस्ट साइन होता है वो होता है नेजल ब्लीडिंग। लोग यूजुअली समझ नहीं पाते कि नेजल ब्लीडिंग हुई क्यों है। हमारे पास पेशेंट आते हैं नाक से खून बहता हुआ लेके, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो प्रीवियसली डायग्नोज भी नहीं होते हैं कि उनको हाइपरटेंशन है, या कोई दवाई भी नहीं खा रहे होते हैं, वो इनिशियली आते हैं नेजल ब्लीडिंग लेके। हम नेजल पॉइंट ऑफ व्यू से इवेलुएट करते हैं और हमको सामने की नाक की हड्डी के पास से ब्लीडिंग दिखती है, उस कंडीशन में हम तुरंत पेशेंट का वाइटल्स वगैरह इवेलुएट कराते हैं, बीपी चेक करते हैं, तो बीपी अचानक से शूट पाया जाता है। पेशेंट से जब हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट ऐसा कहता है कि पहले तो हमको कभी बीपी नहीं था, ना हमने कभी दवाई खाई है। एट दैट
टाइम पेशेंट को काउंसिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि आपको बीपी शूट होने की वजह से हुआ है करके, बट फिर सब्सिक्वेंटली जैसे ही आप मेडिसिन चालू करते हो बीपी कंट्रोल होता है, ब्लीडिंग भी रुक जाती है। अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में आए, कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देखे आपने, या स्कूल में बच्चों को कभी ऐसी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको प्राइमरी केयर क्या देना है? प्राइमरी केयर इनिशियली जो हम सब पेरेंट्स को समझाते हैं या लोगों को समझाते हैं, वो है कि जहाँ पे नाक का ये जो नेजल ओपनिंग है, आप वो दोनों पॉइंट को ऐसे ज़ोर से थंब और इंडेक्स फिंगर से दबा लीजिए। काफ़ी ज़ोर से दबाना होता है, और दोनों पॉइंट को दबा लीजिए ज़ोर से। और पेशेंट को, जिनको भी नेजल ब्लीडिंग हो रही है, उनको ये एक एडवाइस करना है कि आप माउथ ब्रीदिंग करेंगे। पेशेंट माउथ ब्रीदिंग आराम से कर सकता है, और मुंह में जो कुछ भी अगर उतर रहा है तो वो बेसिकली ब्लड पार्टिकल ही रहेगा। पेशेंट को बोलिएगा कि स्पिट आउट करते रहें। आप नाक को दबा के रखिए और पेशेंट को माउथ ब्रीदिंग करने बोलिए। यूजुअली हमारा जो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम होता है, ब्लीडिंग टाइम होता है, वो 3 to 5 मिनट या 5 to 7 मिनट तक के रहता है। तो उस 5 से 7 मिनट में वो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ऐसे ये एक प्राइमरी और एमरजेंसी केयर है एपिस्टेक्सिस का, यानी नेजल ब्लीडिंग का। दूसरा चीज़, जब हाइपरटेंसिव डायग्नोज हो जाते हैं तो फिर हम एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट करते हैं, बेसिकली दैट टू विद कंसल्टेशन विद अदर कंसल्टेशंस लाइक एमडी मेडिसिन और कार्डियोलॉजिस्ट के गाइडेंस में वो चालू करते हैं। उनके ईसीजीज होते हैं, उनका लिपिड प्रोफाइल होता है, ये सब देख के फिर हम वो दवाइयाँ चालू करते हैं। और अगर पेशेंट का बीपी नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रहता है, तो ये ब्लीडिंग दोबारा रिकर नहीं होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको एक बीमारी से फेस कर रहे हैं, आपको कोई कंसल्टेशन हुआ है, तो मेरा ये कहना रहेगा कि ट्रस्ट योर डॉक्टर। अगर आपको चाहिए, आप सेकंड ओपिनियन बिल्कुल लीजिए। आप अपने मेडिकल समरी बनवा सकते हैं, आप अपने रिपोर्ट लेके, रिपोर्ट पे भी आपका पूरा हक है, आप वो अपना रिपोर्ट लेके एक दूसरे कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं। बट मेरा ये आपको एक कहना है कि प्लीज़ प्लीज़ मेडिकल स्टोर से जाके डायरेक्ट दवाई मत लीजिए। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि कोविड के टाइम लोग डायरेक्ट जाके मेडिकल स्टोर से थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, भैया एजिथ्रोमाइसिन दे दो, भैया स्टीरॉयड दे दो, ये मत करिए। बेसिकली एंटीबायोटिक भी अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो वो एक देख के किया जाता है कि इस पर्सन को एंटीबायोटिक की नीड है या नहीं है। अगर एंटीबायोटिक की नीड है, तो वो एंटीबायोटिक का कोर्स कितने दिन करेगा? 3 days, 5 days, 7 days, 10 days या 14 days, और वो कोर्स को कंप्लीट किया जाता है। अगर पार्शियल ट्रीटमेंट होता है, तो एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये है कि यूजुअली जो फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक होती है आज के टाइम पे, उससे पेशेंट्स ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमको हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ रहा है। ये इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि इतना ब्रॉडली यूज़ हुआ है एंटीबायोटिक्स का, तो लोगों के अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए, तो हमको सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी फेस होता है हमारे साथ कि पेशेंट्स को ओरल एंटीबायोटिक से ठीक ही नहीं होती है सिम्टम्स, और जब ओरल एंटीबायोटिक से सिम्टम्स रिलीफ नहीं होता है, तब फिर ऐसे कंडीशन में हम आईवी एंटीबायोटिक्स से एडवाइस करते हैं। और आईवी एंटीबायोटिक्स ओपीडी बेसिस में नहीं दी जा सकती है, जिसके लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा। जब हम पेशेंट को एडमिशन एडवाइस करते हैं, तो उनके लिए ऐसा हो जाता है कि यार थ्रोट इन्फेक्शन तो है, माइल्ड फीवर आ रहा है, क्यों एडमिशन एडवाइस कर रहा है, डॉक्टर लूटना चाहता है हमको, ये पैसे लेना चाह रहे हैं। बट वो ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं कि आपको एट प्रेजेंट पे आईवी एंटीबायोटिक की नीड है, और आईवी एंटीबायोटिक का रोल ज़्यादा अच्छा होता है ओरल एंटीबायोटिक से। तो इनिशियली तो हम ओरल एंटीबायोटिक्स पे स्टार्ट करते हैं, बट ड्यू टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या सीवियर इन्फेक्शन, हमको आईवी पे शिफ्ट होना पड़ता है। और ऐसे कंडीशन पे पेशेंट का ट्रस्ट उनके डॉक्टर पे होना बहुत ज़रूरी है। आप सेकेंड ओपिनियन के लिए हमेशा ओपन है, आप पूरा आपको लाइसेंस है कि आप अपना मेडिकल रिपोर्ट्स मांग सकते हैं, आप अपने स्कैन्स मांग सकते हैं, आप अपना ओपीडी कंसल्टेशन पेपर लेके दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप उनका भी ओपिनियन लीजिए, वो क्या बोलते हैं कि हाँ सच में आईवी की ज़रूरत है, या कुछ और ओरल एंटीबायोटिक्स ट्राई कर सकते हैं, या कुछ और इन्वेस्टिगेशन ट्राई कर सकते हैं, आप बिल्कुल वो कराइए। लेकिन डायरेक्ट मार्केट से जाके, मेडिकल से आप दवाइयाँ मत लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं जिसमें पेशेंट कैजुअलिटी में लैंड करता है, चाहे वो चेस्ट पेन हो, या जैसे कि मैंने नेजल ब्लीडिंग बताया, ये सब चीज़ें इमरजेंसी सिचुएशन है।
उस कंडीशन में हमको इमरजेंसी जो डोर टू नीडल टाइम जैसा हम बोलते हैं, यानी डोर टू नीडल टाइम, पेशेंट हॉस्पिटल एंटर कब किया और पेशेंट को पहला इंजेक्शन कब लगा। डोर टू नीडल टाइम दो कंडीशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चेस्ट पेन यानी कि हार्ट अटैक, दूसरा एक स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। ये दो कंडीशंस में खून के क्लॉट बन जाते हैं, यानी खून का थक्का बन जाता है, जिसको डिसॉल्व करना इमिडिएटली बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये आगे आपके लिए बहुत बड़ी मॉर्बिडिटी कॉज कर सकता है और एक मॉर्टिलिटी का भी फैक्टर बन सकता है। तो पेशेंट से रिलेटिव को ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि इनिशियली जो आपके 30 मिनट्स या 45 मिनट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इस पीरियड में अगर आपको खून पतला करने का, जो हम इन टैबलेट या इंजेक्शन बोलते हैं, जो इमरजेंसी ड्रग है दोनों कंडीशन में, वो अगर आपको मिल जाता है तो इससे आपकी बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। इस कंडीशन में आप डॉक्टर और हॉस्पिटल दोनों पे ट्रस्ट करिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट के रिलेटिव के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है और वो टाइम पीरियड वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, एमरजेंसी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और पेशेंट की कंडीशन वर्स होने लगती है। कई बार हम चेस्ट पेन के पेशेंट्स में, हार्ट अटैक के पेशेंट में देखते हैं कि बीपी गिरावट आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी वेंटिलेशन तक लग जाता है कुछ पेशेंट्स को। और वो पेशेंट्स के रिलेटिव ऐसे होते हैं कि हम तो चला के लाए थे पेशेंट को या व्हील चेयर में लेके आए थे चेस्ट पेन में, और यहाँ आने के बाद पेशेंट का ऑक्सीजन में गिरावट आ गई या बीपी में गिरावट आ गई। लेकिन अगर पेशेंट के रिलेटिव डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि इनको ये कंसेंट ही नहीं देंगे हमको कि इनको ये खून पतला करने का इंजेक्शन दीजिए, या आईसीयू में एडमिशन का जो हम एक्सप्लेन करते हैं उसके लिए अगर आप कंसेंट ही नहीं दोगे तो हम ट्रीटमेंट में प्रोसीड भी नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, और इस चीज़ में अगर आप सपोर्ट करेंगे आपके अपने डॉक्टर को और आपके हॉस्पिटल को तो बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक ये टॉक को अब हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर अपूर्व वर्मा, मैं MBBS MS ENT सर्जन हूँ। मैं एट प्रेजेंट हाईटेक हॉस्पिटल नेहरू नगर भिलाई में वर्किंग पे हूँ। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट ENT हूँ और मेरा वर्किंग आवर यहाँ पे मॉर्निंग 10 AM to 4 PM तक रहता है। मैं मंडे टू सैटरडे ऑल 6 डेज वर्किंग हूँ। आप कभी भी वहाँ आ सकते हैं, कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में 24/7 आ सकते हैं, इवन संडेज भी आ सकते हैं। हम आधी रात में भी वहाँ पे ऑपरेट करते हैं कुछ इमरजेंसी, चाहे थ्रोट इंजरी हो या लैसरेटेड वुंड हो या कोई इमरजेंसी फॉरेन बॉडी हो, हम वो ओवरनाइट भी ऑपरेट करते हैं। तो आपको अगर मेरे से कंसल्ट करना हो तो आप वहाँ कभी भी आ सकते हैं। थैंक यू।